अशोक चक्रा मेमोरियल सेवा सोसाइटी वालों शहीद कैप्टन मेहता सिंह जी दे पोतरे वालों यूएसए तो कमलजीत सिंह जी मक्खन उन्हां वालों इस सांझे मोर्चे वास्ते 1,13,000 रुपए का चैक भेट किया गया जी। धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूंगा भाई गुरु इकबाल सिंह जी अमृतसर वो तुहाडे नाल 2 मिनट ले आउणगे क्योंकि टाइम की थोड़ी दिक्कत आ। जगजीत सिंह जी हैड ग्रंथी पंचकुला इन्हां तों बाद तैयार रहण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोधी जैनी सारा पंजाब का किसान के रूप दे विच जाहो जलाल विच रंगिया होया। घरां नूं ताले ला के साडियां 80-80 साल दियां मावां दादियां पड़दादियां भैणां बच्चियां निके निके बच्चे बजुर्ग आए हुए ने। एक मां एक दादी जिहदे गोदी विच एक दोता ते एक पोता ठंडी सीत हवा वगदी है। संगते ठंड दे देना तरेल पई तपकिया पानी पोते दे नक उत्ते लग्या चुन्नी नाल सवार दी होई कहिंदी बच्चे एक दिन ठंडे बुरज विच इस तरीके नाल ही माता बैठी सी गुजरी साहिबजादियां नूं लई। एक बजुर्ग डिगया ओनू चक्या ओदे पोतरे कहिंदे ना जाया कर तेनू फड़ के लैके जावांगे जे मर गया। वह कहिंदा जे मर गया अज मेरा बहुत वड्डा परिवार इत्थे है जेड़ियां लकड़ां लंगर वास्ते लैके आयो ओदे नाल संस्कार कर दिओ। मैं दसना चाहना आ जिहड़े वारस बैठे ने पंजाब दे पूरा हिंदुस्तान ए जान वाला नहीं जे गुरु साडे ने कहा सी निश्चय कर अपनी जीत करो। अज 2 लख ट्रैक्टर साडे नौजवानों दा भारतीय किसान जुनियां दे झंडे ला के जो झंडा फड़िया सी उदो कहा सी असी जित के जा रहे हां असी हार के नहीं जा रहे। साडे अगे टोए पुट्टे गए सरकारे तुहाडे पुट्टे हो टोए असी बंद कीते ने आई असी भाईचारक सांझ बना रहे हां तुसी साडे राहां विच टोए पुट रहे हो। याद रखे 20-20 फुट दे टोए तुसी इन्हां किसानां अगे नहीं पुट्टे तुसी अपने घर अगे टोए पुट ले। उन्हां टोयां विचों गिरे होए साडे सतगुर तेग बहादुर महाराज जी ने दिल्ली विच तुहानूं टोयां चों कढ लिया सी। जे हुण तुसी डिग पे तुहानूं कढण वाला भी कोई नहीं। मैं लास्ट विच सारे नौजवानां नूं बेनती करदा कि संजम तो काम लिया जावे। ऐ लड़ाई शांति दी है ऐ लड़ाई प्यार दी है ऐ लड़ाई इत्तफाक दी है। जिथे शांति प्यार इत्तफाक होया करदा उथे कदम चुम्मिया करदियां ने जित्तां आप आके। ऐ मोदी इक दिन तुहाडे वल चल के आएगा निश्चय कर अपनी जीत करो। असी डंका जितदा बजा चुके हैं संजम वरत्यो तुहाडी जित बरकरार है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोले सोनह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बाबा फौजा सिंह जी गुरुद्वारा अकाल पुंगा तो जिहड़ी अपनियां विचारां रख के गए ने। पिंड चकंदा हरियाणा करनाल तो 11,000 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। NRI वीरां वल्लों कनेडा सेवा 5,000 रुपए पिंड हियाला नवां शहर तो उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद।
करनजीत कौर पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा तो 11,000 रुपए स्टेज वास्ते देंदे ने कोट अन कोट धन्यवाद। महनूर बगड़ डाउटर ऑफ सुखदीप बगड़ 5100 रुपए देंदे ने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। टिले की संगत वालों कपूरथला तो 3100 रुपए इन्हों का भी कोटन कोट धनवाद। बुलेवाल की संगत वालों जलंधर तो 3100 रुपए इन्हों का बहुत बहुत धनवाद। करतारपुर साहब कोरीडोर कमेटी पिंड पखो टाली साहब तो 3100 रुपए इन्हों का भी कोटन कोट धनवाद। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सेवा सुसायटी दसूहा हुशियारपुर तो 3100 रुपए देंगे ने इन्हों का बहुत बहुत धनवाद। बाकी जस्सी तलन जी जो पंजाब तो रविदास टाइगर फोर्स वाले आए ने उन्हों का जी आया नू रविदास टाइगर फोर्स जून बलॉय साहब तो जो एक जथा आया प्रधान शमशेर सिंह जी उन्हों का भी बहुत बहुत जी आया नू। इन्हों तो अलावा पिंड हरे रतक हरियाणा तो जो 500 पेटी पानी की सेवा करके गए ने उन्हों का कोटन कोट धनवाद। हुण मैं बेनती करूंगा जगजीत सिंह जी हैड ग्रंथी पंचकुला वो तुहाडे नाल रूबरू होणगे। ज्ञानी जगजीत सिंह जी देश विदेश तो सारे ही आए किसान भैन भरा आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुता लम्मा चौड़ा प्रचार नहीं करना, मैं तुहानू बेनती करनी है ते चैनल वाले नू बेनती करनी है एक आ जिहड़े सारे अज किसान ते मजदूर इत्थे बैठे है ना ये कौन बैठे है? जिहड़े लोग कहिंदे आ ना भी फलाने देश दा हत्थ है, कदी कहिंदे फलाने देश दा हत्थ है इहनां ते, मगर इह किस दा हत्थ है ते किसान है कौन ने? आ जिहड़े किसान विरोधी लोग कहिंदे ना जिहड़े किसान विरोधी उहनां तक गुरु नानक देव जी महाराज दा मैसेज सिद्धांत जिहड़ा पहुंचा दिओ, ध्यान दिओ थोड़ा जिहा। मैं गुरबाणी की पंक्ति आप नाल सांझी करनी है कि गुरबाणी की पंक्ति च गुरु नानक देव जी महाराज की कहिंदे ने, कहिंदे ना आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, सच्चा वड किरसान। आ जिहड़े किरसान विरोधी है ना उहनां तक पहुंचा दिओ पंक्ति गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांत। गुरु साहब जी कहिंदे सब तो सियाणा ते सब तो वड्डा परमात्मा वाहेगुरु किसान है आखो सतनाम। ते जिहदे किसानां नूं अतवादी कहना ना, जिहड़े अतवादी कहिंदे ने किसानां नूं, वो जवाब सुन लैण ते पहलां परमात्मा नूं अतवादी कहना पैणा, क्योंकि सब तो वड्डा किसान ते परमात्मा वड्डा सच्चा वड किसान। गुरु नानक देव जी महाराज ने जे उदम की गल की है तो पहला हाली की उदाहरण दी है गुरु नानक देव जी महाराज ने, यह मोदी सरकार समझ ले कि कितों तक जा सकते ने। मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत, नाम भी संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। उदम की गल आई, उदम की एग्जाम्पल कितों चकी गुरु नानक देव जी महाराज ने, जिहड़ा अद्धी रात नूं हाली उठ के ते दिन चढ़न तो पहला किला जमीन वाह लैंदा सी आखो सतनाम। ये तुहाडी उदाहरण चुकी है गुरु नानक देव जी महाराज ने। अज मेरी बेनती है इन्हां किसानां ते ना ते पाकिस्तान दा हत्थ है, जिहड़े कहिंदे पाकिस्तान दा हत्थ है, जिहड़े कहिंदे चीन दा हत्थ है, इन्हां किसानां ते परमात्मा दा हत्थ है आखो सतनाम। ये बाणी दा सिद्धांत है जी। जे इन्हां दा सबर परखणा इन्हां दा तो मैं मोदी सरकार नूं दस देवां कि पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज इतिहास पढ़ लैण, जे संघर्ष कित्थों कदा कर सकदे ने। ते फिर आ जिहड़े दिन अज चल रहे ना, अज दिन चल रहे ने जिहड़े, अज वेखो अपने बापू वल ध्यान दिओ। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आनंदपुर साहब की धरती ते अज 10 लाख का घेरा, इह ते जंगल च मंगा ला लैंदे ने, इह ते दिल्ली शहर है, इह ते भुखे रह के इतिहास पढ़ो अज दा अपना, ये ते भुखे रह के जुल्म दे खिलाफ लड़ के ते जित प्राप्त कर सकदे। इत्थे ते कई तरह दे लंगर चल रहे ने आखो सतनाम, तरह तरह दे लंगर। सुमेरा कहण तों भाव यह है कि यह क्योंकि मोदी सरकार नूं जिन्ने भी किसान विरोधी ने भावें उडानी अबानी जो भी मर्जी है अपनियां जड़ां ना पुट लिओ, क्योंकि इन्हां ते परमात्मा दा हत्थ है आखो सतनाम। ये किसानां नाल मत्था लाउणा
परमात्मा मत्था लाउणा होवेगा गुरमुखो ये बाणी दे सिधांत चो मैं गल कर रहा मैं अपनी नहीं कर रहा जां होर किसे दी गल नहीं चकन दिया ये मोदी सरकार समझ ले कि मत्था किहदे लाया तू परमात्मा नाल मत्था लाया तू गुरु नानक देव जी महाराज नाल मत्था लाया जिन्हें सच नाल मत्था लाया ओदा मत्था रहा नहीं ते मैं कहना चाहुंदा देखो औरंगजेब वर्गे हिटलर वर्गे आए जिन्हां दा अपना राज सी अज ते लोकतंत्र इहो जिहा घाण ते उन्होंने नहीं किया ये मोदी सरकार तो औरंगजेब तो भी अगे वध गई आखो सतनाम जिन्ना इन्हें आ तीन बिल पास करके ना अज किसानां दा मैं कहना सारे देश का सिर्फ चार पांच बंदे छड़ के ना जिहड़े घराणे नूं सब कुछ देता इन्हें इन्हां नूं छड़ के बाकी सारे किसानां दा एक जिहड़े मारू बिल ने ये नुकसान करनगे अज सानूं एकता की लोड़ है जे जो ताकत शब्द ही है गुरमुखो भगती विचों शक्ति मिलती है अज ये सिद्धांत गुरु नानक देव जी महाराज का धारण करो अज का दिन देखो ये आनंदपुर साहब की धरती से दस दस चमकौर साहब की गढ़ी में दस का वह दिन इतिहास है अज दिन चल रहे ने जिस हाल में रखे तू वो ही हाल है अच्छा इतने तो फिर भी चढ़ती कला कहन तो भाव के इन्हों का संघर्ष ये तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का इतिहास अपने बच्चे चार सामने अखां दी शहीद हो गए फिर परवाह नहीं की माछीवाड़े के जंगलों के रहना पिया फिर भी परवाह नहीं की इन्हों शांति परखन की कोशिश ना करो ये वो कौम है जिहड़ी सिर लहन ते भी लड़दी है ये खत्म नहीं होनी इन खत्म करने वाले अज तक खत्म होंदे रहे मेरे को बहुता समा नहीं सो सारिआं दा धन्नवाद क्योंकि भगती विचों शक्ति एकता अज गुरु नानक देव जी महाराज दे फलसफे नूं आपां जित के जाणा आखो सतनाम किसान एकता बोले सोनिहाल गुरु नाढा साहब तो वखर ग्रंथी की हाजरी प्रवान कर लियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद एक अनाउंसमेंट सिख चैनल यूके तो जिहड़ा इस टाइम लाइव आ जिन्हों 100 कंट्रीज इस टाइम ते देख रहे ने लाइव टैलीकास्ट सिख चैनल यूके मैं उन्हां दा स्टेज वालों इस अज दे किसान अंदोलन नूं लाइव चलाउण ते कोट कोट धन्नवाद करदा सिख चैनल वालियां दा जो अज हुण 100 कंट्रीज जिन्हों देख रहे ने उहदे लई उहनां दा बहुत बहुत कोटन कोट धन्नवाद एक जट सिख वैलफेयर सभा वालों दर्शन सिंह छीना जी साबका सरपंच ने वह बहुत बड़ा जथा लैके इस किसान मोर्चे नूं अगे लिजाण वास्ते तकड़ा करन वास्ते आए ने ओ ना बहुत ज्यादा ने मैं समझदा उन्हां नूं सारिआं नूं इसे नेक जी मैं जी आया कहना समय की घाट नूं देख के बहुत बहुत धन्नवाद हुण मैं बेनती करूंगा गुरविंदर सिंह जी समरा नौजवान ओह तुहाडे नाल गल करनगे गुरविंदर सिंह जी समरा पहला तो इस जगह ते विराजमान मेरिया मातावां भैणां वीर भरा ते किसान वीर गज के फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुता समा ना लेंदे होए समा बहुत सीमित मिलिया दो चार गल्लां कर लईआं पहली गल जिहड़ी मेन आ हजे तक इस गल दे बारे ज्यादा विचार नहीं होई इस गल नूं गौर करियो सारे जने कि अज आपां जिस जगह ते बैठे आ इह कल्ली आपां किसानी बचाउण नहीं आए कल्ला पंजाब बचाउण नहीं आए असी आउण वाला भविख जिहड़ा साडे बच्चियां दा जिहड़े साडे गाहां बच्चे पैदा होणे आ पंजाब दी आउण वालियां पीढ़ियां उहनां सारियां दी नीह रखण आए आ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ
ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਥੋੜ ਜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1969 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ 65-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਏ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੋਣੀ। ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2% ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 2% ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2% ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਏਕ ਨੂਰ ਸਿੱਧੂ ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਖਤੌਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘਾ ਜੀ
हेलो हेलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहिंदे ने मावां हुण दलेर तक कुख तो शेर ही जम्मदे ने, घर घर जम्मण योधे वैरी थर थर कंबदे ने। ते अज कठ देख के पंजाबियां दा सच्ची रूह खुश हुंदी आ। इत्थे पंजाब च ज्यादातर की हुंदा, खास करके थाडे नाल भी हुंदा होना, आम पिंडां दे विच हुंदा कि असी एक नाली पिछे लड़ पैंदे आ, तुसी नाली बंद करती, तुसी आ करता जी। पर जदों साडे सारिआं ते कोई मुसीबत आउंदी है तां फिर उह नालियां नूलियां दीआं लड़ाईआं बंदा भुल जांदा, फिर इक हो जांदा। ते आ कठ देख के मैनू सच्ची दिलों बहुत खुशी आ, ते बहुता कुछ मैनू कहना तां आउंदा नहीं, ना मैं लीडर आ ते ना मैनू लीडरी करनी आउंदी आ, ना मैं पॉलिटिक्स च वड़दा। पर जिन्ना कि वी आ, पर थोड़ी बदौलत, थोड़े प्यार करके ते वड्डे वड्डे महान लोग बैठे ने स्टेज ते, मैं तां चलो बहुत छोटा आ, उम्र च भी छोटा आ ते एक्सपीरियंस च भी छोटा आ, ते सारिआं दा जी आयां नूं बहुत बहुत धन्नवाद। तुसी साडी पंजाबी नूं जिंदा रखिआ, तुसी साडे सारे कल्चर नूं, सभ्याचार नूं जिंदा रखिआ, ते इक सबूत दित्ता है कि कल नूं कोई भी साडे ते बिपता आउंदी आ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ